हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और आज है पद्मावत का टाइम, बट सावित्री व्रत का, उसकी भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये मैं उसी के लिए तैयार हो रखी हूँ। मैंने आज ग्रीन साड़ी पहनी है, बस मैं सुबह का झाड़ू पोछा करके अभी भी आई हूँ। और मिठी भी स्कूल जा चुकी है, तो मैंने कहा मैं पहले तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद फिर मैंने छोले उबालने रख दिए थे, तब तो वो छोले भी सीटी लग रही है और मैं यहाँ पर तैयार हो रही हूँ जल्दी जल्दी। बस यहाँ पे मैंने ये छोलों की तैयारी कर ली है, मैं टमाटर काट रही हूँ मोटे मोटे से जल्दी जल्दी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ये छोलों को छोकना शुरू कर दिया, क्योंकि सीटी लग गई थी, छोले उबल गए थे, तो मैंने कहा मैं इनको जल्दी से बना देती हूँ। फटाफट व्रत की तैयारी करनी है, क्योंकि ये भी शॉप पर जाएंगे खाना खा के, तो बस मैं यहाँ पर ये तैयारी कर रही हूँ जल्दी जल्दी मसाले, क्योंकि व्रत के खाने में लहसुन प्याज वगैरह तो डालते नहीं हैं, इसलिए मैंने सिर्फ हरी मिर्च और टमाटर से ही इसको फ्राई कर रही हूँ। और ये अच्छे से मसाला तैयार हो गया है, फिर मैं इसको कुकर बंद कर दिया है और अब मैं जा रही हूँ। क्योंकि क्या है, अभी मुझे कुछ कुछ छोड़ने गए थे तो ये बड़ की टहनी लेके आ गए थे, मैंने कहा इसको भी मैं धो के साफ से रख देती हूँ, तब तक इसका पानी साफ हो जाएगा। और मैं यहाँ पे ये आटा गूंद रही हूँ पूड़ियों के लिए, फटाफट से मैंने कहा जल्दी जल्दी खाना तैयार हो जाएगा। खाना भी तैयार हो गया है, ऊपर से मैंने उधर ये आलू गोभी की सब्ज़ी तैयार कर ली है। और मैं यहाँ पे ये दही को चला रही हूँ थोड़ा सा रायता बनाने के लिए हल्का सा। उसके बाद फिर मैंने अभी ये पूरियाँ बेलना शुरू कर दी हैं। पूरियाँ देखिए, मैंने कभी भी तैयार हो गया है रिफाइंड, तो मैं ऐसा पूरियाँ बन बेल लेती हूँ जल्दी जल्दी। तो मैंने थाली में पूरियाँ बेल के रख ली हैं और मैं देखिए उतार रही हूँ बस हल्का सा, क्योंकि तेल जल्दी जल्दी गर्म हो गया था, तो फटाफट मैं बस उतारने में लगी हुई थी। मुझे देखिए कितनी गोल गोल पूरियाँ आ रही हैं, और मैंने पहले व्रत के लिए ही बनाई थी। और मैं देखिए यहाँ पर तैयार हो गई हूँ, बिल्कुल खाना भी तैयार हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ व्रत की तैयारी करने के लिए, सामग्री तैयार करके रख लेती हूँ। और मैंने यहाँ पूजा करके फिर मंदिर लेके चली गई थाली सजा के। और मैं यहाँ पर मंदिर में जाके पहले मैंने पैर भगवान जी के पैर थे, उसके बाद मैं पंडित जी से पूछ रही थी कि ये खाना कैसे देना है, क्योंकि यहाँ पर पंडित जी अभी नए नए ये मैं दूसरे वाले टेम्पल में आई हूँ, पहले मैं दूसरे मंदिर में जाती थी, और इस बार यहाँ पर मैं दूसरे मंदिर में आई हूँ, तो उन्होंने ले लिया था कि आप यहाँ पर आप दे दो। और मैं देखे देखे वापस आ गई हूँ भगवान जी को खाना दे के, प्रसाद दे के। हमारे यहाँ बायना निकालते हैं बट सावित्री व्रत में, तो फिर बस मैं अब घर पे आ गई हूँ। गाइस, अब आपका आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें।